यह है कि कोई मीडिया के से संतुष्ट होना है तो पहले अपनी मंशा को सुधारना है। और जब हमारे देश में सबको हमारी सही अस्मिता, सही इतिहास, संस्कृत के ज्ञान और एक एकात्मा मानववाद की दर्शन, ऐसे ही चीज़ों को लेकर जब तक पर्सनालिटी नहीं बनेगी, मीडिया को ये कहना कि वो सही खबर दें, ये सारी चीज़ें मांगना गलत होगी। और सोशल मीडिया है रास्ता जिससे अपने लोगों को, हम जैसे गुरुकुल में पढ़ाते हैं वैसे एक प्रकार से साइबर स्पेस में गुरुकुल हम चला सकते हैं। डाइसेंट गौरी लंकेश का कत्ल भी हुआ, हाँ, बीजेपी के रूल में सबसे बड़ा एक हिंदू टेरर के साथ ये भी एक जुड़ा हुआ है। नहीं, बस वो तो कांग्रेस की राज में हुआ है, अभी तक क्यों नहीं पकड़ सके? आपको पता है तो उनको क्यों नहीं पता है? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे, तो इसके माने जो प्रोपेगेंडा चली वो गलत प्रोपेगेंडा थी। सर, एक और बात कि आपने कहा कि भारत में एक है, हाँ, हिंदू मैं धर्म मज़हब के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं इस देश में जो वही आइडेंटिटी वही है कि जो जिसको जिसका नाम है हिंदू, वो है कि इस देश में पैदा हुए या उनके पूर्वज इस देश में पैदा हुए। नहीं, लाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो तुम और हम दोनों मान लेंगे तो हो जाएगा। अभी तक मैंने वो 475 पेज का जजमेंट पढ़ा नहीं, और इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी। सर, एक जो रेप का जो काफी सामने आ रहा है दिल्ली में भी और कठुआ में भी, इसको कैसे रोका जा सकता है? नहीं, उसको रोकने के लिए एक तो सजा कड़ी होनी चाहिए, और जो मृत्यु दंड का सजा की सजेस्ट किया है वो तो मेरी राय में पर्याप्त नहीं है। जो रेपिस्ट है उसका सर्जरी करना चाहिए तो कि आगे कभी रेप ना कर सके। बहुत देर के बाद आया हूँ, मैं आया था वो लवली यूनिवर्सिटी में। हाँ, पंजाब से मेरा बहुत सहानुभूति है। जहाँ तक हिंदुस्तान का कोई खंडित करने चाहेगा उसका तो मैं डट के विरोध करूँगा। हाँ, मैं भिंडरवाला का मित्र था, उनके साथ रहा हूँ, और मैं उनको आतंकवादी नहीं मानता हूँ। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा, स्पीच दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी उनसे जब बात हुई YouTube में, मुझे देखना पड़ेगा उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि मेरी जो बात हुई है उनमें उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनको, उन्होंने कहा कि लोग देने चाहते हैं तो देने दो, परंतु मैं मांगूंगा नहीं। इट वॉज अ ब्लंडर, इट वॉज अ मिस्चीवस ब्लंडर, बिकॉज इट वॉज हरकिशन सुरजीत एंड द सोवियत यूनियन विच ऑर्गेनाइज इट। नो, किसके बारे वो तो नहीं, वो हमारे पास भी है, अभी मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, अभी तैयार नहीं है, पर तो हम आखिर में कर लेंगे। 2019 की तैयारियां कैसे चल रही हैं? हम हिंदुत्व पर जीत जाएंगे, और भ्रष्ट लोगों को जेल भेज कर लोगों को संतुष्ट कर देंगे कि हम भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं। दैट वॉज अ जेनोसाइड, एंड आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू अ जेनोसाइड, पर आपका फूल का मानता नहीं है। हाँ, वो उसका रेजोल्यूशन का कोई अर्थ नहीं है। मैं अपोज करता हूँ, कौन होते हैं वो, इस देश को कोई टुकड़ा नहीं कर सकता। और वो ठीक है, वो तो मैंने पार्लियामेंट में ही कह दिया है, उनको वहाँ की क्या जरूरत है। सर,
वो क्वेबेक को ठीक करने बोलिए, वो अलग होने चाहता है। एक छोटी सी बात है, ठीक है, जी एस टी जीएसटी के वो सुधार रहे हम अभी, गोल्डन टेम्पल के ऊपर जीएसटी लगी है। स्वामी जी एक प्रश्न जलने वाला बात के ऊपर, वो पिकनिक स्पॉट बन गया, हमारे परदादा जी वहाँ शहीद हुए थे, शहीद वाले नाम बाद में पिकनिक, एक किसके अधीन है वो, आर्कोलॉजी के अंडर, मैं पता करूँगा। हाँ, वो भी फलाना बता रहे अभी तक हमारे परदादा जी का नाम नहीं वहाँ लिखा गया, हट नहीं चाहिए, मैं तो पहले से कह रहा हूँ जीएसटी लाना ही नहीं चाहिए था। आप जी देख रहे हो पटियाला टीवी, पटियाला टीवी जोड़े आप जी ने सोने पंजाब ते देश नाल, हमेशा देखते रहो पटियाला टीवी।